वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु साहब की कृपा सदका जपजी साहब की 25वीं पौड़ी की विचार करनी है जी। गुरु साहेब सिर ते मेर पर हाथ रख के अपनी सेवा आप लैन, और सब तो पहला उच्चारण वाल ध्यान दे। वाहिगुरु बहुता करम लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगे हैं जोध अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खप तुट्टे हैं बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूरख खाही खाहे, केत्या दूख भूख सदमार, एह वे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाने हुए, होर आख न सके कोए, जे को खायक आखण पाए, ओह जाने जेतियां मुहे खाए, आपे जाने आपे दे, आखे सेभे केई के, जिसनो बख से सिफत सालाह, नानक पात साही पात साह। सब तो पहला जो पहली तुक है, बहुता करम लिखिया ना जाए। इस ते विचार करने तो पहला असी एक नाल दे नाल कंपैरिजन करना चाहवांगे, ताकि जल्दी इस दी पकड़ बन सके। अगर गल करिए किसी जीव दी, किसी मनुख दी, ते ओ अगर तिल मात्र कोई चंगा काम करता है, आवे कोई रत्ता जाने कोई चंगा काम कर लिया, तो की करता है जी? सब सबनों पता साढ़े कि अगर कोई चंगा काम करता है, तो उन्हों तिल मात्र नू पहाड़ वांगू जताने की कोशिश करता है। तो ऐदे लई बड़ा प्यारा फुरमान आंदा है बाणी विच, जे को एक करे चंगियाई। भाई कोई अगर एक चंगियाई करता है ना, हल्की जी माड़ी जी, तो वह की करता है जी? जे को एक करे चंगियाई, मन चित बहुत बफाव है, वो अपने चित चेते विच ना बहुत अपने आप नूं वड्डा समझण लग जाता है, तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि फड़ियां जिया मारता है, दसन की कोशिश करता है, हाँ जी मैं ये कारज किया, मैं ये काम किया, मैं ये काम किया, भाव उन्हें पहाड़ा वांगू जताने की कोशिश करता है। पर जो परमात्मा है उहदा गुण की है, हुण वो असी इहदे विच समझना है जी। उस तुक नूं असी तुसी अगे भी विचार सकते हो, उत्थे भी ये गल अगे दसी गई है, पर फिलहाल जो साडा विषय है वो ये है, सिर्फ उसनूं प्रमाण मात्र लिता है। पर जो परमात्मा है उहदा गुण की है, बहुता करम, बहुत वड्डा भाव, बहुत ज़्यादा करम भाव, उहदी बख्शीश है, लिखिया ना जाए, उन्हों लिखिया नहीं जा सकता, दसिया नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, कि उहदी बख्शीश करम उहदा जिहड़ा है वह कितना वड्डा है। वड्डा दाता तिल ना दमाए, पर वह दाता भावें वड्डा है, पर वह तिल मात्र भाव रत्ता मात्र भी किसी नूं जताउंदा नहीं कि वह कितना वड्डा है, भाव अगिनत दाता दे जा रहा है, पर आज तक उन्हें कभी जताया नहीं। वो रोज़ सानू आके कोई अजिहा साडे च कोई अलार्म फिट नहीं किया, भाई तैनू मैं 24 घंटे दे रोज़ जिहड़े आ वो साह दे रहे हैं, मैनू दस तू मैनू की दिता। अज तक परमात्मा ने क्वेश्चन नहीं चक्या। भावें वो गल वक्री है कि जिहड़े जीव इसकी कदर पाते हैं, वो अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि अज मेरा दिन कहो जिहा गया, कि कोई मैं चंगा काम किया या बस खज्जल खुआरी होया पूरा दिन, वो गल वक्री है। पर परमात्मा ने आज तक नहीं जताया। संगत विच असी जाने हाँ तो ठीक है, सानू संगत रूप च जाके गुरु साहिब की बाणी पढ़ पढ़ के आपे ये सोझी अंदर बख्श साडे अंदर जाती है, पर परमात्मा कभी जताउंदा नहीं, भाव काइंड ऑफ एक ताना नहीं मारदा। पर जो दुनियावी जीव है वह तिल मात्र करके पहाड़ा वांगू जताने की कोशिश करता है, जिवें अक्सर असी वेखते हैं। पर हुण इत्थे किथे कई बार माइंड ना गलत फड़ लैंदा चीज़ नूं कि इहदा मतलब की है। हुण कई बार इह भी सुणिया हुंदा कि असी सज्जे हत्थों दान देईए ते खब्बे हथ नूं पता ना लगे, अजिहा होना चाहिए है जो दान देने का तरीका। बिल्कुल ठीक है,
पर इत्थे हुण एक गल होर भी समझनी पेगी। हुण मान लवो हुण किसी ने जिवें अजकल का जो माहौल चल रहा असीं वेख रहे हाँ कि कोई भी अगर किसी नूं लंगर की सेवा करवा रहा है या फिर कोई किसी भी तरीके नाल कोई भी सेवा कर रहा है तो वह अपने जो फोटोज़ वगैरह नूं सोशल मीडिया से अपलोड करता है। हुण इत्थे दो गल्लां हो सकदियां इस नूं वेखण दा नज़रिया। एक हैगा कि उसने फोटो अपलोड की उसका मकसद की सी वो हमेशा मैटर करता है। अगर उसका मकसद सिर्फ तो सिर्फ ये आ कि भई अगर ये काम करके सोशल मीडिया से क्योंकि ज़्यादातर असं देखते हैं नैगेटिविटी ही नज़र आती है, अगर कोई अगर मैं फोटो पा रहा इस वेख के हो सकता है कोई होर भी प्रेरणा लवे तो वह भी अजिहा काम करने की कोशिश करे तो फिर की हो जाएगा। अगर इस माइंड सैटअप ना फोटो पाई है तो यह मतलब ए नहीं कि वह अहंकार बस होके पा रहा है, क्योंकि हमेशा जो काम है वह अहंकार बस होके नहीं होता, कई बार वो पिछे का मकसद बड़ा अच्छा होता। हूँ इस मकसद के नाल किसी ने पाई है कि हो सकता है इस नालों कई प्रेरणा मिलेगी तो यह बहुत चंगी गल है। पर अगर मकसद है कि मैं दिखावा लोगों को देखो जी मैं कितना बड़ा दानी हाँ तो उत्थे ही वो फोटो पाना गलत हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सानू समझना पेगा बाणी के हिसाब ना कि बाणी सानू की समझाना चाहती है। ये गल नू क्लीयर करना भी जरूरी सी क्योंकि कई बार वो गलत जी है वो माइंड भी चीज़ जी बह जाती है। तो बहुता कर्म लिखा ना जाए जो वड्डी जी बख्शीश है परमात्मा की उन्होंने कोई बयान नहीं कर सकता लिख नहीं सकता भाव लिखे विच नहीं आ सकती। वड्डा दाता इन्ना वड्डा दाता होने के बाद भी तिल ना तमाए भाव तिल मात्र भी वह जताऊंदा नहीं दसन की कोशिश नहीं करता हाँ मैं तेरे लिए यह कर रहा मैं तेरे लिए वह कर रहा। जिवें माँ जी है वो लखा ही दुख सहारते हुए बच्चे नूं वड्डा करती है भावें वड्डा कल नूं हो के बच्चा माँ नूं ही जवाब दे दिंदा है पर माँ जी है वो हमेशा ही उन्हें पता होंदा कि उन्हें किवें उन्हें वड्डा किया किवें उन्हें पालिया पोसिया। केते मंगै जोद अपार। हुण इत्थे दस रहे ने कौन की मंग रहा है परमात्मा तो केते भाव कई कई की मंग रहे ने केते मंगे हैं जोत अपार। जोत तो भाव बल ताकत और एदा जिहड़ा भाव अर्थ बन जाएगा वो बन जाएगा कि सूरमे भाव जिहड़े ताकत की वरतों करते हैं तो अजिहे बेअंत ही सूरमे जिहड़े आ वह परमात्मा तो की मंगते पे हैं वह मंगते पे हैं ताकत मंगते पे हैं तो कहन तो भाव वह भी कितना कितने मंग रहे हैं यानी कि उन्होंने को अपना बल है वो परमात्मा तो ही बल लै रहे हैं। केतियाँ गणत नहीं विचार केतियाँ भाव किन्ने ही अजिहे इस कुदरत विच हन जिन्हां दी इत्थे हुण कई ने दो अर्थ किए कई करते हैं गणत तो भाव गिनती गिनती नहीं की जा सकती। तो एक शब्द आंदा है हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरध पछाण। हुण उत्थे गणत का अर्थ आंदा है गलतियाँ भाव मेरी गलतियां जड़ियां वो गिनिया नहीं जा सकदियां क्योंकि उत्थे दोनों चीज़ आ गई गणत ना गणिया तो इतना क्लीयर हो जाता है क्योंकि बाणी ही बाणी दात कर दी है। तो इत्थे भाव अर्थ जो चंगा लग्या मैं तुहानू दस रहा वा पर इहदा मतलब ये नहीं कि ये फुल स्टॉप लगा लिता जाए इसते किसी भी गल ते कदे भी फुल स्टॉप नहीं लगाया जा सकता। हर कोई अपने अपने मत हिसाब नाल जिवें जिवें गुरु साहब उन्हूं बख्श रहे आ उवें दसण दी जतन कोशिश करदा पर अंत किसी ने नहीं पाया कहन तो बाद फुल स्टॉप किसी की गलत नहीं लाना। तो इत्थे जो ढुकवा अर्थ लगता है कि केतियाँ यानी कि किन्ने ही अजिहे इस कुदरत विच हन जिन्हां दी गणत नहीं विचार भाव जिन्हां दी गलतियां दी गिनती नहीं हो सकती अजिहा अर्थ लगता है। बाकी जिवें आप जी नूं चंगा लगे जरूर दस्सियो कमेंट बॉक्स ते बिल्कुल कुछ सीखण नूं मिलेगा। अजे तक दी जो रिसर्च है जो सोच है जो बुद्धि है समझ है वही कहती है कि इत्थे जो गणत दा जिहड़ा अर्थ है वह बनता है गलती केतियाँ यानी कि किन्ने ही अजिहे हन जिन्हां दी गलतियां दी गलतियां दे विचार नहीं की जा सकती भाव इन्हीं गलतियों इस कुदरत विच करते हैं। केते खप टुटे है बेकार किन्ने ही ऐसे हैं जेड़े इस कुदरत विच खप रहे हैं टुट रहे हैं और बेकारा दे कारण भाव कि दाता दे मिली है परमात्मा तो पर उदी उन्होंने वरतों नहीं करनी आई भाव एक हुण बंदर है उन्होंने अग मिली उन्हें की किया थां थां ते अग लगानी शुरू कर दी उन्होंने ये नहीं पता कि इस अग दे नाल एक एग्जाम्पल के तौर पर दिता जा रहा है कि जरूरी नहीं कि वह अजिहा ही करेगा बंदर एग्जाम्पल के तौर पर कि जिन्होंने ना समझे एक मूर्ख बंदे नूं अगर असी
कोई भी चीज चज दी फड़ा दी जाए। हुण बंदर दा एग्जाम्पल दिता जा रहा कि एक बंदर एग्जाम्पल दे तौर ते उहनूं अग फड़ा दी किसी ने, हुण ओह थां थां ते अग्गां ही लाई जा रहा है, पर उहनूं इह नहीं समझ कि इस अग दी वरतों किवें हो सकदी, भाव इस अग दे नाल असीं चूल्हा भी बाल सकते हैं ते उहदे ते रोटी भी पकाई जा सकती है। काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी भी अजिहे मनुख नूं कोई दात मिलती है जिसकी उन्होंने समझ नहीं है सोची नहीं है तो वह भी मिसयूज कर देगा, उदा यूज नहीं कर पाएगा, भाव उसकी सही वरतों नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरु साहब कहते कहते खप टुटे है बेकार, कहते ही हैं किन्ने ही अजिहे जीव हैं इस कुदरत जेडे सिर्फ तो सिर्फ विकारा विच उलझ उलझ के अपने आप को खुआर कर रहे हैं, भाव एदा सीधा इदा कही है तो टुट रहे हैं, अपने आप को नाश कर रहे हैं। तो अगली जी तुक हैं केते लै लै मुकर पाहे, केते मूरख खाही खाहे। हुण इत्थे गुरु साहब कहिंदे कई हन ऐसे, हुण इहदे नाल ना मैनूं इक गल होर समझ आ रही है कि आपां इत्थे इह वी गल समझ सकदे कि गुरु साहब ने भी लिख के दित्ता कि केते किन्ने ही अजिहे इस कुदरत विच हन जिहड़े लै लै मुकर पाहे, यानी कि लै लै के दाता लै लै के मुकर जांदे ने। गुरु साहब ने भी कह दिता भी कई हन ऐसे ना शुकरे हन अकिरतगण हन जिहड़े दूसरिआं दे उपकार नूं नहीं मनदा, उहनूं गुरु साहब अकिरतगण कहिंदे आ। ते गुरु साहब कहिंदे कई हन जिहड़े लैणगे मुकर जाणगे, यानी कि कई बार सानूं वी समझना चाहीदा है। मन लो हुण कई बार कोई किसी तों वी असीं कोई उम्मीद लगा लैंदे आ, मन लो किसी लई कोई चंगा काम कीता ते सानूं हुंदा कि उह वी साडे लई चंगा ही करेगा, ते गुरु साहब ने पहले ही सानूं लिखे ते देता जे अगर इस गल नूं असीं समझ लवांगे कि जरूरी नहीं है कि हर कोई तेरे नाल चंगा ही करेगा, ये तेरे उपर है, तू अपना बीज बोना उन्हें अपना बीज बोना है, तेनों वेखना है कि बई तू वेख कि तू की चाहना है कि बई तेरे नाल चंगा ही होएगा। अजिही उम्मीद ला के अगर किसी ने चंगा कर रहा है तो हो सकता है कल नूं मन दुखी होएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, वह मुकर भी सकता है, क्योंकि गुरु साहब सानूं कहना चाहते हैं कि कई ऐसे जीव हैं जेड़े इस कुदरत विच दाता लै लै के मुकर भी जाते हैं। तो जब गुरु साहब कह रहे हैं तो फिर एक आम बंदा भी इस गल नूं बिल्कुल अच्छे तरीके नाल समझ सकता है, पर गल सारी इन्नी है असी हमेशा आस उम्मीद विच ही जिन्ने आ तो उसी कारण ही दुख पाने हैं। पहला ही सानूं एक गल अगर समझ आ जाए जो असी रोज़ जपजी साहब पढ़ रहे हैं तो शायद हो सकता है साढ़े दुख के कई कारण जेड़े आ वह दूर वैसे ही हो जाएंगे, अजाई हो जाएंगे। केते मूरख खाही खाहे, किन्ने ही ऐसे मूरख हैं जेड़े सिर्फ तो सिर्फ मन दी सुनने वाले मूरख, वह की करते हैं सिर्फ तो सिर्फ दातों में ही उलझे रहते हैं, भाव बस खाई जाते हैं खाई जाते हैं, उन्होंने कोई मतलब नहीं है कि बई कोई कि चलाहे उपर घाले वाली गल कि बई परमात्मा का नाम भी जपना इस कुदरत विच जद असीं आए हैं, कोई चंगे कर्म भी करने हैं, किसी का भला भी सोचना है नहीं सोचना, वह बस अपने लिए जींदे, काइंड ऑफ एक कह सकते हैं कि पशु वांगू जिंदगी है कि बस उन्हें अपने लिए ही बस देख लेना है कि पूरा दिन विच आज मेरा पेट भर गया बहुत चंगी गल है, बाकी दुनिया का उन्होंने कोई मतलब नहीं होंदा। ते कई ऐसे हैं जिहड़े सिर्फ तो सिर्फ वह पदार्था नूं दाता नूं सिर्फ पूंजी जा रहे हैं पर दाता भुल चुके हैं। अगर दाता याद है तो फिर सब कुछ ठीक है, अगर दाता याद नहीं है तो फिर गुरु साहब भी उन्होंने मूरख कहते हैं, बस वो तो उलझे गए हैं उसे खाई जाते हैं। तो हुण मूरख नूं हर कोई मूरख ही कहेगा, रब होए भावें बंदा होए तो मूँह तो मूरख ही निकलता है, कोई चंगा उन्होंने हर कोई चंगा ही कहेगा, उन्होंने संत किया जा सकता है, उन्होंने भगत किया जा सकता है, पर गुरु साहब ने अगर संत नूं संत किया है भगत नूं भगत किया है तो मूरख नूं मूरख भी किया है। ये सब तो वड्डी वडियाई है, ये बहुत प्यारी गल है, क्योंकि चंगे नूं चंगा ना हर कोई कह सकता है कि भाई ये गल एक मूँह तो कह दाँगा हाँ भी तू बड़ा चंगा है, पर एक मूरख नूं उहदे मूँह ते मूरख कहण वाला उहदे लई जुरत चाहीदी है। वह धन गुरु नानक देव जी ही कह सकते हैं, हर कोई बंदे की बस नहीं कि वह सीधे तौर पर माड़े नूं माड़ा कहे, हाँ पिछों उहदी बड़े गल्लां करदे आ पर सामने कहण वाला जिहड़ा है या तो वो अंदर बहुत तगड़ी वाली विल पावर होएगी, स्ट्रोंग होएगा, बाणी पढ़ता होएगा तो वो इस पौड़ी नूं चढ़ सकता है, पर हर कोई नहीं, हर कोई सिर्फ तो सिर्फ वडियाइयां करन दी कोशिश करता है, हाँ जी आप जी बड़े चंगे हो आप जी हो, पर जो आप जी की बुराई है वह बहुत घट ही ऐसे होंगे जो साढ़े मुँह से दसते हैं। सानू असल विच अजिहे बंदियां दी लोड़ हुंदी है, क्योंकि अगर साढ़े विच कोई अवगुण पता लगेगा तां ही तो असीं दूर कर पावांगे,
ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਮੂਰਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਾਤਾ ਪੁੰਤਰੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਲਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਔਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦਮਾਰ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਔਰ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਭਾਵ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਗੁਰੂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ
उस वेले की सी दुख सी ना समझी सी। जद गुरु साहब ने सोजी बख्शी समझ बख्शी सबर जेड़ा है वो किता गया ते कुछ टाइम दे बाद उही जेड़ा है वो सुख बन गया। ये हुण देखना पेगा अपना अपना नजरिया है माइंड सेटअप है कितने असी खड़े हैं। गुरु साहब सिर ते मेहर पर हथ रखन कि कभी भी असी डोलीए ना। अगर डोल गए विश्वास डोल गया तो सब कुछ चला जाएगा। अगर विश्वास है तो सब कुछ अगर नहीं है ना हाथ में तद भी बहुत कुछ है। विश्वास सब तो वड्डा है। इदा हमेशा सानू अपनी जिंदगी विच ध्यान रखना है विश्वास नहीं डोलन देना। बंद खलासी भाणे होए बंद खलासी भाव बंद तो भाव बंधन खलासी तो भाव मुक्ति बंधना तो मुक्ति भाणे होए भाव भाणे दे नाल हो सकती है उसकी रजा विच हो सकती है। हुण असी गल करिए किहड़े बंधन सानू पए असी ते कोई बंधन विच नहीं असी कोई कैदी थोड़ी ना पर सानू खुद नू नहीं पता लग रहा कि असी माया विच किन्ने उलझ चुके हैं माया ने सानू किवें किवें जकड़ रख्या है। असी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विच इहदियां जंजीरां विच बंधे होए हैं ते इह जिहड़ी जंजीरां है किवें टुट सकदियां भाणे होए उहदी रजा विच उहदे हुक्म विच ही टुट सकदे है। उस तो इलावा अगर कोई होर दसन दा जतन करे कोई होर तरीका है तो गुरु साहब कहिंदे आ होर आख ना सकिया कोई। इस तो इलावा होर कोई तरीका नहीं है होर आख ना सकिया कोई। होर अगर कोई दसन की कोशिश करे आख तो भाव दसन की कोशिश करे बयान दसन करन की कोशिश करे तो नहीं कर पाएगा कोई। इस तो इलावा होर कोई तरीका ही नहीं है। जिन्नी भी साड़ी जंजीरा ने ना सानू जकड़िया हुई ने जिस कारण असी असल विच दुख दे भागी बने हुए हैं वो सिर्फ तो सिर्फ साडा अपना जिहड़ा है ना जो असी विकारा विच फस फस के खप रहे हैं टुट रहे हैं वो सिर्फ तो सिर्फ उस परमात्मा की रजा दे नाल ही दूर हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं। गुरु साहब कहिंदे होर आख ना सकिया कोई होर अजिहा तरीका जिहड़ा है वो नहीं दसिया जा सकता। इस तो अलावा कोई होर तरीका ही नहीं है। जब गुरु साहब ने कहता सानू हुण लभण की लोड़ ही नहीं है बस हमेशा ऐ कहिए जो तुद भावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार। बाबा जी जो तुहानू पाउंदा है उही गल चंगी है। ये गल सानू भी समझ आए कि साडा जिहड़ा मन है ना ये समझ ले कि जो परमात्मा नू पाउंदा असल विच होना होई है और चंगा ही होई है। तैनू नहीं समझ जिस दिन ये मन मन लेगा उस दिन कृपा ही कृपा है उस दिन फिर बख्शिशा ही बख्शिश है अजे मानदा नहीं। जे को खायक आखण पाए जे को खायक खायक तो भाव इत मूर्ख आखण पाए जे कोई मूर्ख आखण पाए भाव कहण दा जतन करे दसण दा जतन करे ओह जाने जेतियां मूह खाए। ये सिर्फ तो सिर्फ उसनों ही पता होंदा है कि किन्ना उन्हों भाव लानता उहदे मूँह ते पैंदियां हन ये सिर्फ उन्हों ही पता है। जिहड़ा कोई मूर्ख जिहड़ा है दसण दी कोशिश करदा है कि हाँ मैनू पता है मैनू ये राह पता है मैनू वह राह पता है मैं तुहानू आसान तरीका दसदा वा कहिंदे कि उन्हों मूँह दिखाणी पैंदी है उसनों मूँह ते लानता पैंदी है कि उसनों कुछ नहीं पता क्योंकि वह झूठा साबित हो जाता है। तरीके तो बड़े दसते हैं ना बड़े सियाने तुरदे एवें कर लो उवें कर लो इदा समाधि लगाओ उवें ध्यान धरो इन्ने दिन का पाठ कर लो इन्ने दिन मौन रख लो ये ना खाओ वो करो मतलब किन्ने तरीके दसते हैं ना। पर गुरु साहब कहें जे को खाए एक क्योंकि भाणे तो इलावा भाणे तो तुरंत इलावा होर कोई तरीका है ही नहीं इसलिए वह मूर्ख उन्हों कह दिता मूर्ख कि जो अजिहे कुकरम दसदा पिया है जो पाखंड दसदा पे उन्हों कहो कि मूर्ख है आखण पाए दसन का जतन कर रहा है उन्होंने कितने ना कितने मूँह दिखाणी पैंदी है मूँह ते उन्होंने फिटकारा पैंदी है वह जाने जेतियां मूँह खाए। इस सिर्फ उन्होंने ही पता है कि उन्होंने किन्नी बार अपने आप को झूठा साबित करन दा दोष सहारना पैंदा है। क्यों क्योंकि आपे जाने आपे दे क्योंकि परमात्मा जो है वो आप सूझवान है जाने भाव उन्होंने समझ है जानता है कोई याना नहीं है कोई बच्चा नहीं है वो दुनिया नू पाल रहा है विश्वास रख आपे दे आपे ही वो दाता देंदा है उन्होंने पता है कि किन्नू की चाहिए है। तू ड्राइवर ना बन तू गड्डी च बह जा तो ड्राइवर परमात्मा नू रहन दे बस वो आपे उन्होंने पता है कितने लेके जाना तैनू इन्नी इन्ना जहा जिहड़ा विश्वास रख लै
पूरी जिंदगी देख तेरी किवें खुशहाल हो जाएगी। क्यों तू चिंताग्रस्त होया पे, कारण की है? क्योंकि तू आप ही सोच रहा है कि मैनू पता है बाबा जी, मैनू ऐ दो, असीं रोज जाके मंगदे हां। पर गुरु साहब कहिंदे आपे जाना है, आपे दे, उन्हूं पता है तैनू मंगन की लोड़ नहीं, विश्वास रख दे देगा। जिन्ना तैनू एक गल दस, तू जीवन मंगया सी परमात्मा को, तू नहीं मंगया सीगा, उन्हें तैनू दे दिता। तू माँ प्यो मंगे सी, नहीं, उन्हें अपनी मर्जी ना दिते। तेरा जन्म तेरी मर्जी नाल होया, नहीं होया, परमात्मा ने अपनी मर्जी नाल तैनू जन्म दिता। कि तू इस दुनिया नू, इस शरीर नू अपनी मर्जी नाल छड़ सकदा है? नहीं, परमात्मा जेड़ा है वो अपनी मर्जी नाल उहदे उपर डिपेंड करदा है, ते इसलिए वो सब कुछ जानदा है। ना जन्म तेरी मर्जी नाल होया, जद एंट्रेंस, जद फर्स्ट स्टेप जिहड़ा जन्म है उही तेरी मर्जी नाल नहीं होया, ते बाकी ते गल्लां छड़ दे कि भी तेरी कोई मर्जी है, अज नहीं ते कल नहीं ते परसों, ये गल समझ आ जाती है, पर समा लगता है। इहदे लई ही कहा जाता कि बार बार सानू बाणी पढ़नी पेगी, विचारनी पेगी। आपे जाणा है, आपे दे आप ही परमात्मा सूझवान है, जाणदा समझदा है, ते आप ही देंदा, भाव दाता देंदा। आख सेवे केई के, आख्या भाव आखते हैं, दसते हैं, बयान करते हैं, सेवे भाव यह गल कई के, यानी कि कई जीव, कई के यानी कि कोई कोई, कोई कोई अजिहे भी हैं जिहड़े शुकराना करना जानते हैं, ये गल नूं समझदे हैं कि परमात्मा जिहड़ा है वह आपे जाणदा है और आपे दाता देण वाला है। आख्या है सेवे कई के, यानी कि आख्या यानी कि आखते हैं, सेवे यानी कि यह गल, कई के तो भाव कई कई, यानी कि कई जीव, कई जीव ये गल भी कहते हैं। सारे ना शुकरे नहीं हैं, सारे मुकरण वाले नहीं हैं, कई इस गल नूं समझण वाले भी इस कुदरत विच हन। फिर बड़ी प्यारी गल अगे आ गई, जिस नौ इत्थे हुण असीं नूं पढ़ जांदे जल्दी विच, इत्थे हैगा नौ, नन्हे दे नाल ध्यान देना, होड़ा हैगा, जिस नौ बखसे सिफत सलाह, जिस नूं भी परमात्मा जी सिफत सलाह बख्श दिंदे आ, हुण बख्शिश कर दिंदे आ। हुण बच्चे मान लो माँ दे दो ने, तीन ने, चार ने, पर हुण बख्शिश दा पात्र कौन बनता है? जो उस माँ दा कहना मन लग जाता है, अपने आप नू जताउंदा है कि माँ दा प्यार नू लोचदा है, ते माँ नू भी वो प्यारा लगन लग जाता है। डिफॉल्ट गल है, भावें माँ वितकरा नहीं करदी, पर यही परमात्मा गुण दा गुण है कि जो भी कोई आए ते सही प्यार दे नाल, परमात्मा दोवे हथ पसार के उहदा इंतजार करता है कि जिसनों बख्शे सिफत सलाह, जिसनों भी परमात्मा अपनी सिफत सलाह बख्शन दा, भाव गुण बख्श देंदा है, गुण गान दा जिहड़ा है वह सुभाव बख्श देंदा है। नानक पातशाही पातशाहो, फिर वह की है जी, वह असल विच पातशाहां दा पातशाह बन जाता, भाव वह तिरपत हो जाता, संतोख हो जाता, उहदे विच सारे गुण जिहड़े आ वह आ जाते हैं, क्योंकि जिहदे गुण गावांगे ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫੀਲ ਨਾ ਲੈ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कि लाइक और शेयर आप जी करते ही हो, सबसक्राइब अगर नवे आए हैं तो सबसक्राइब चैनल नू कर दियो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।